क्लास की केमिस्ट्री टॉप यूनिट 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के तत्व। इसमें जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन मेटल्स। क्या पढ़ना है, क्षारीय धातुओं के भौतिक गुण। कौन से पढ़ना है, क्षारीय धातुओं के पढ़ना है, भौतिक गुण पढ़ना है। क्षारीय धातुएं कौन कौन सी होती है, क्षारीय धातुएं फर्स्ट ब्लॉक कौन सा होता है, एस ब्लॉक जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट ए, जो एस ब्लॉक का फर्स्ट एस फर्स्ट ए होता है वो क्या कहलाता है, क्षारीय धातु है। क्या कहलाता है, क्षारीय धातु है। इनमें कौन कौन सी एस ब्लॉक जो अल्कलाइन मेटल्स है कौन कौन सी होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये होती है। अब इनमें क्या पढ़ना है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, भौतिक गुण। इनके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, इनकी भौतिक अवस्था होती कैसी है। सेकंड होता है एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, क्या होती है, परमाणु त्रिज्या। थर्ड होता है आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। फोर्थ होता है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। फिफ्थ होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक एवं गलनांक। सिक्स्थ होता है डेंसिटी, घनत्व। सेवंथ है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत धनात्मकता एवं विद्युत ऋणात्मकता। एट नंबर पर है कंडक्टिविटी या चालकता, क्या होती है, कंडक्टिविटी, चालकता। नाइन नंबर पर होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अवस्था, क्या होती है, ऑक्सीकरण स्टेट होती है, ऑक्सीकरण होता है। 10 नंबर पे रिड्यूसिंग पावर, अपचयन, अपचाय गुण, ये तो होती है 10। इसके बाद फोर्थ और ये भी होती है, पहले 10 को कर लेते हैं। फर्स्ट जो है क्या है, फिजिकल स्टेट, पहले क्या पढ़ेंगे, फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे, क्लियर। फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था, फर्स्ट टॉपिक फिजिकल स्टेट जो होती है। अगर एस ब्लॉक की बात करें, किसकी, एस ब्लॉक फर्स्ट की, किसकी बात करेंगे, एस ब्लॉक फर्स्ट ए, एस ब्लॉक फर्स्ट ए की बात करेंगे, तो उसमें जो फिजिकल स्टेट होती है, लिथियम जो होता है सबसे सॉलिड नेचर का होता है, कैसा होता है, सबसे सॉलिड नेचर का होता है, सबसे ठोस होता है। अब क्या होते हैं, जैसे अप टू डाउन जाते हैं, कैसे जाते हैं, ग्रुप में, ये क्या होता है, ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, कहाँ से अप टू डाउन जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो क्या होते हैं, सॉलिड की जो होती है टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। मतलब ये है, ये सबसे ज़्यादा सॉलिड होगा, उसके बाद कैसे होते जाते हैं, मेटल सॉफ्ट नेचर के होते जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते जाते हैं, और क्या होते हैं, इनको इजीली क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं, इनको चाकू से क्या कर सकते हैं, इजीली आसानी से काटा जा सकता है, एक हो गया। इसके बाद ये क्या होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और ये इनकी अप टू डाउन आने पर मेटलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, बढ़ती जाती है, क्या होती है, मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। लिथियम जो होता है मेटल्स है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है प्लस। अब जैसे आते हैं तो अप टू डाउन आने पर इनकी मेटलिक प्रॉपर्टी क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते जाते हैं, क्या करते जाते हैं, आसानी से क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, क्लियर है। इसके लिए इनकी मेटलिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसी कारण ये कैसे फिजिकल स्टेट होती है, क्या होती है, इनकी फिजिकल स्टेट, भौतिक गुण, क्लियर है। टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। जो परमाणु त्रिज्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, अगर कोई सा एटम है, एटम के सेंटर से, कहां से, एटम के सेंटर से, परमाणु के केंद्र से उसके बाह्यतम कक्ष में उपस्थित, बाह्यतम ऑर्बिट में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, एटॉमिक, क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, क्लियर है। कहां से, सेंटर से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की जितनी डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, उसकी परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। अब क्या होता है, अगर ग्रुप में, कहां पर, एस ब्लॉक फर्स्ट के अगर ग्रुप में बात करें, अप टू डाउन आते हैं, कहां आते हैं, अप टू डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होगी, बढ़ती जाती है, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ, देखो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो उसके जो ऑर्बिट होंगे क्या होंगे, जो ऑर्बिट्स होंगे वो भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे तो सेंटर से डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ेगी। अगर डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो रेडियस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्लियर है।
समूह में ग्रुप में अप टू डाउन आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उनके जो कक्षक होगी, कक्षक की संख्या जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अगर कक्षकों की संख्या बढ़ गई तो क्या हो जाता है, उसकी जो सेंटर से नाभिक से दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर नाभिक से दूरी बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है, परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक रेडियस। क्या करेंगे, आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या क्या होती है, जब कोई सा एटम क्या होता है, अगर एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, डोनेट कर दे। इलेक्ट्रॉन को मान लिया जाए, लिथियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको क्या बोला जाता है, आयंस, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन, जब एटम्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, आयंस में। इस कंडीशन में जो उसके डोनेट करने के बाद जो एटॉमिक, जो उसकी रेडियस होती है वो क्या कहलाती है, उसकी आयनिक रेडियस। क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो उसके बाद उसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, आयनिक रेडियस कहलाती है। अब ग्रुप में क्या करते हैं, ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो आयनिक जो रेडियस होती है वो कैसी हो जाती है, इंक्रीज होने लगती है, सॉरी आयनिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आयनिक रेडियस डिक्रीज होने लगेगी। क्लियर है, नहीं करियो। आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, अगर किसी गैसियस एटम में से, किसमें से, गैसियस एटम में से एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्या होता है, अप टू डाउन आने पर, कहां पर, ग्रुप में अप टू डाउन आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, अब देखो क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सब फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लिथियम। लिथियम जो होता है इसका एटॉमिक, जो इसकी एटॉमिक साइज होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, स्मॉल होती है। क्यों होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस है, अप टू डाउन आते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ेंगे। अगर एटॉमिक नंबर ऑफ बढ़ेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिस्टेंस न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाती है तो अट्रैक्शन पावर क्या हो जाता है, कम होने लगता है। अट्रैक्शन पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अट्रैक्शन पावर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। पावर क्या होने लगेगा, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ जाएगी। अगर न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई, न्यूक्लियस से क्या होती है, डिस्टेंस बढ़ जाती है तो अट्रैक्शन पावर कम होता है। अट्रैक्शन पावर कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, रिमूव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो क्या होता है, ग्रुप में अप टू डाउन आने पर आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज होने लगती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसी हो गई, कम। अब एनर्जी ज्यादा लगानी ही नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, डाउन टू अप जाते तो एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है, इसका अट्रैक्शन पावर भी क्या होगा, ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर ही है तो अट्रैक्शन पावर कैसा हो जाएगा, हाई। तो अट्रैक्शन पावर हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कैसी लगेगी, ज्यादा। अगर लार्ज एनर्जी लगती है, हाई एनर्जी लगती है तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, आयनाइजेशन की वैल्यू हाई। अब क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। क्लियर होता है, अप टू डाउन पर एनर्जी डिक्रीज होने लगती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है, क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है। ये जो एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक सारी क्या है, मेटल्स फॉर्मेशन होती है, क्या होती है, सारी मेटल्स होती है। और ये क्या करती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं, क्या बनाती है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन। इनकी क्या होती है, लैक्टिक एनर्जी होती है, क्या होती है, लैक्टिक एनर्जी होती है। ये किसी होती है, लैक्टिक एनर्जी हाई होती है। अप टू डाउन आने पर ग्रुप में ऊपर से जब नीचे आते हैं, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। क्या होने लगेगा, डिक्रीज होता है, क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। और हाँ, एक चीज होता है कि क्या होने लगता है, इनकी लैक्टिक एनर्जी क्या होने लगती है, कम होने, जालक ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इनकी जो बंद बनाने की कैपेसिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को या एटम्स को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, इजिली निकल जाते हैं। इसके कारण इनकी क्वथनांक और गलनांक कैसे होने लगते हैं,
कम होने लगते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनकी लैक्टिक एनर्जी होती है, लैक्टिक एनर्जी और जालक जो जालक ऊर्जा होती है वो किसी होने लगती है, कम होने लगती है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी घनत्व, घनत्व जो होता है वो किस पर होता है? अगर एटम है तो एटम का जो डेंसिटी, एटम की जो डेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है उसके एटॉमिक, किस पर? एटॉमिक मास पर, एटॉमिक मास एंड वॉल्यूम पर। किस पर डिपेंड करती है? उसके परमाणु द्रव्यमान पर। किस पर? द्रव्यमान और उसके आयतन पर क्या करती है? निर्भर करती है। क्या करती है? उसके परमाणु जो डेंसिटी होती है, किसी परमाणु का जो घनत्व होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो उसकी एटॉमिक मास और उसके वॉल्यूम जो होता है या उसका जो द्रव्यमान या आयतन जो होता है उस पर क्या करती है? निर्भर करती है, डिपेंड्स होती है। अब क्या होता है, अगर एटॉमिक नंबर क्या होता है बढ़ते हैं तो एटॉमिक मास जो होगा बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ता है तो उसके आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन क्या होता है, आयतन जब मास बढ़ता है तो आयतन बढ़ता तो है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं बढ़ता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। अगर बात करें ग्रुप में एस ब्लॉक में अप टू डाउन आने पर क्या होने लगता है, डेंसिटी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। क्या होगी? डेंसिटी क्या होगा? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होंगे? बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसका नंबर ऑफ एटॉमिक मास भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर एटॉमिक मास बढ़ता है तो वॉल्यूम में इसके कंपेरिजन में क्या होता है? इतना नहीं इंक्रीजमेंट आता है। वॉल्यूम जो एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो जो वॉल्यूम होगा है, अगर बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं बढ़ता है, सिर्फ क्या बढ़ता है? उसका मास ही बढ़ता है। तो अगर मास बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। क्लियर है? क्लियर पॉइंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो विद्युत धनात्मकता एंड विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत धनात्मकता का मतलब होता है, पॉजिटिविटी का मतलब होता है जो मेटल्स होती है वो, अगर क्या है मेटल्स है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? डोनेट कर दे। तो किस पर कन्वर्ट हो जाती है? आयंस में होगी। उस पर चार्ज क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या हो जाती है? वो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव हो जाती है। अप टू डाउन आने पर पॉजिटिविटी क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। क्या होने लगती है? पॉजिटिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। विद्युत धनात्मकता का मान क्या होगा? बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इजीली डोनेट होने लग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, त्याग किए जा सकते हैं। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं ऊपर से नीचे आने पर, क्यों होंगे? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो गई? बढ़ जाएगी। और अट्रैक्शन जो पावर होगा, आकर्षण जो बल होगा वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएंगे? डोनेट होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? डोनेट होने। क्लियर है? अब क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मान ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज होने लगती है। क्यों डिक्रीज होने लगती है? विद्युत ऋणात्मकता का मान है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब क्या होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ गई ऊपर से नीचे आने पर, अप टू डाउन आने पर डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी। न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो गई? बढ़ गई। अट्रैक्शन पावर क्या हो गया? कम। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होगी वो कैसे हो जाएगी? वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होने लगेगा? कम होने। पॉजिटिविटी जो होगी वो कैसी हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? कैसी होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी। क्लियर है? हाँ। अब ये होता है, इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? लिथियम की होती है, क्योंकि लिथियम के साइज़ कैसा होता है? स्मॉल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या चालकता क्या होती है? चालकता क्या होती है? अगर कोई सा एटम्स क्या करने लग जाए, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसकी कंडक्टिविटी बोला जाता है। ऊपर से अप टू डाउन आने पर ग्रुप में क्या करने पर? अप टू डाउन आने पर क्या होता है? कंडक्टिविटी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इजीली इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे तो डिस्टेंस जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो भी कैसे हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इजीली क्या होंगे? डोनेट होने लगे। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट होंगे तो उसकी पॉजिटिविटी जो होगी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर पॉजिटिविटी बढ़ गई तो कंडक्टिविटी जो चालकता होगी वो भी कैसे होने लगेगी? बढ़ जाती है। यानी कि अप टू डाउन आने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे?
बढ़ जाएंगे, अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगा और जो कंडक्टिविटी या चालकता होगी वो क्या होने लगी, बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होने लगेगी, फ्रेंसियम या इनके होने लगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। एस ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स है वो शो करते हैं कौन सी, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या होता है, जो लिथियम है मान लिया जाता है, लिथियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, थ्री होता है, कितना होगा, थ्री होगा। इसमें क्या होगा, अगर लिथियम है एटॉमिक नंबर तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s1। अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक, वन बचेगा, और इसके बाद क्या उसका आउटर और उसके ऑर्बिट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए वो लास्ट वाले ऑर्बिट में से क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो इसके लिए इस पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज क्या हो जाता है, वन, और ये क्या हो जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट क्या हो जाती है, प्लस वन। यानी कि कहने का ये है कि एस ब्लॉक के जितने एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, वन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या कर देते हैं, वन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं। इसके कारण उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है, प्लस वन हो जाती है। लेकिन हाँ, ये जो है एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, प्लस वन ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाते हैं। वो कैसे करते हैं, सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, वो भी कौन से दर्शाते हैं, प्लस वन, शो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? पॉइंट, रिड्यूसिंग पावर अपचायक गुण। रिड्यूसिंग पावर अपचायक गुण क्या होता है, जो क्या होती है, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है किसके कंपेयर में, अगर अदर एलिमेंट्स के कंपेयर में बात करें तो उनकी रिड्यूसिंग पावर कैसी होती है, कम होती है, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन जो आयनन ऊर्जा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, कम होती है, एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स, अदर ब्लॉक के एलिमेंट्स के कारण क्या होती है, कम होती है। अगर वो कम होती है तो इनकी जो पॉजिटिविटी होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। इसके कारण इनकी जो अपचायक गुण या रिड्यूसिंग पावर होती है वो कैसी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ग्रुप में अप टू डाउन आने पर, ग्रुप में अप टू डाउन आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर अपचायक गुण या रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लगती है। क्लियर है? क्लियर। हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा। अब देख लेते हैं जल योजन ऊर्जा होती क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जब ये क्या कर सकता हो जाता है, आयंस में आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आयंस में आ जाते हैं, ये मेटेलिक आयंस बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, मेटेलिक आयन बनाते हैं, धात्विक आयन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब धात्विक आयन होते हैं तो ये क्या करते हैं, किसी वाटर में जल जो एक्वस सॉल्यूशन हो, जली विलयन के साथ क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जुड़ते हैं, ऐड होते हैं। तो इनसे जो एनर्जी निकलती है, क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, जल योजन, उसको क्या बोला जाएगा, जल योजन। क्लियर है? और जब ये क्या करते हैं, जल योजन करने के बाद इनके अंदर से क्या होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इस इलिमिनेट होती है, एनर्जी इलिमिनेट होती है, जो एनर्जी उत्सर्जित होती है उसको क्या बोला जाता है, जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है? क्या होता है, जब धातु आयन, मेटेलिक आयन किसी एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय माध्यम में वाटर से किसी से रिएक्ट करके क्या करनाती है, कंपाउंड बनाती है, तो उसको क्या बोला जाएगा, जल योजन। और इसके कंपाउंड के बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसको क्या बोला जाएगा, जल योजन ऊर्जा बोला जाए। क्लियर है? अब क्या करते हैं, जब समूह में या ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं, क्या आते हैं, अप टू डाउन आते हैं, तो जल योजन का मान क्या हो जाता है, घटने लगता है, क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगता है। ये है, अब सबसे ज्यादा जल योजन का जल योजन या लैक्टिक है, ये हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू होती है, सबसे ज्यादा होती है किसकी, लिथियम आयंस की होगी, उसके बाद होता है सोडियम आयंस, फिर पोटेशियम आयंस, रुबिडियम आयंस, सीजियम आयंस और फ्रेंसियम आयंस। सबसे ज़्यादा जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो किसकी होगी, लिथियम आयंस की सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनका जो अट्रैक्शन पावर है वो ज़्यादा होता है। अगर अट्रैक्शन पावर हाई होगा
तो क्या हो जाएगा, जल योजन या हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्लियर है? लास्ट पॉइंट, कलर इन फ्लेम, ज्वाला में रंग। जो एस ब्लॉक फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बुनसन बर्नर पर या बुनसन ज्वाला पर जब इनको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये क्या करते हैं, अलग अलग कलर्स का फॉर्मेशन करते हैं, रंग का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को इजिली दान कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, कलर का फॉर्मेशन करते हैं। जो लिथियम होता है वो क्या करेगा, रेड कलर का फॉर्म, अगर इनको लिथियम को बुनसन बर्नर पर रखते हैं तो क्या करते हैं, रेड कलर का फॉर्मेशन करते हैं, लाल रंग का उत्पन्न होगी, लाल ज्वाला उत्पन्न होगी। सोडियम की बात करें तो येलो कलर या पीला कलर का फॉर्मेशन करेगी। जो पोटेशियम है वो रेडिश येलो वॉयलेट देगा, क्या देगा, रेडिश वॉयलेट, यानी कि लाल गुलाबी रंग का, हल्का सा लाल रंग रहेगा गुलाबी कलर में। जो रूबिडियम है वो कैसा देता है, वॉयलेट कलर का फॉर्मेशन करेगा। सीजियम है वो कैसा देगा, ब्लू या बैंगनी कलर का फॉर्मेशन देगा। क्लियर है? ये होती है यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स की सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म। क्लियर, थैंक।